हेलो स्टूडेंट्स, एम अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद स्कूल बनी। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर फोर्थ क्लास सिक्स्थ साइंस। ओके, पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है? जिसके आर पार हम एक चीज को देख सकते हैं। जैसे कोई आपको वस्तु दे रखी है, अगर हम उसके आर पार देख सकें तो वो पारदर्शी वस्तु कहलाती है। तो अब आपने क्या करना है, वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांटना है। किस आधार पे? उसकी पारदर्शिता के आधार पे। ओके, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। ओके, आपको पता है लुका छिपी के अंदर आपको कई बार दूसरा दिखाई नहीं देता। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे। तो कभी आप किसी मिरर के दूसरी तरफ तो नहीं छिपना चाहेंगे। जैसे मिरर है या कांच का गिलास लगाया हुआ है, तो उसको पता आपको दूसरी तरफ वो देख लेगा। तो इसलिए आप हमेशा उन ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ छिपते हैं जिनसे आपको दूसरों को दिखाई ना दे, ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने उन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया? नहीं किया होगा, क्योंकि आपको पता दूसरा देख लेगा, जो उसका आपका फ्रेंड जो आपको ढूंढ रहा है। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उसको पता चल जाएगा कि आपका जो है, आपका जो मित्र है उसको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे छुपे हुए हैं। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। आपको पता है जिनके आर पर हम, जिन पदार्थों या वस्तुओं के आर पर हम देख सकते हैं उनको पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थ को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि किसके अंदर हमने क्या क्या रखा है, ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। चित्र में दे रखा है ना, और उनको पता चल जाता है कि किस डब्बे के अंदर कौन सी वस्तु पड़ी हुई है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, उन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जिनसे आपको, जैसे लकड़ी है, उसके आर पर आप नहीं देख सकते। क्या आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे तथा धातु के पात्र के बीच में क्या रखा है? लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो उनके चारों तरफ आप, उनके आर पार आप नहीं देख सकेंगे, उनको आपको खोलना ही पड़ेगा उनको देखने के लिए। क्या आप अब यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों या वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला, आपको हमने अच्छे से समझा दिया पारदर्शी अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो आप इसके बेस पे किसी भी पदार्थ को विभाजित कर सकते हैं। तो आपको ये जो क्रियाकलाप है वो कल करवाया जाएगा। आपको आज सिर्फ मैंने पारदर्शिता के बारे में बताया है, उसके अंदर पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में बताया। आपने क्या करना है, इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर और उनके उदाहरण लिखने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट दिस टॉपिक। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।